Hello everyone, this is Ganesh here from Power Crew Dance Studio. Welcome back to another tutorial. Today I am going to show you two movements. इससे आप आपके body movements को और dance movements को improve कर सकते हो. So इसे आप कैसे complete करोगे? ये दो movements मैं सिखाने वाला हूँ. इसको आप अच्छे से practice करना और imply करना. Okay? And that two movements is, first movement is shoulder hit, second movement is body wave. Okay? So start करते video. और प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो. इससे आपको अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, बेसिक टू एडवांस ट्यूटोरियल्स मिलेंगे और हमारी कोरियोग्राफीज मिलेगी. ओके, सो गाइस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना. सो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो. दिस इज माय राइट साइड, दिस इज माय लेफ्ट साइड. आपका जो शोल्डर है उसको हीट करना है. आप कैसे हीट करोगे? फ्रंट में एंड द सेकेंड इज बैक. ओके, सो पहले फ्रंट में करना है 1 2 3 4. ओके, ये आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको पावर मिलेगी. जैसे कि हर एक कोरियोग्राफी में रहता है शोल्डर हीट एंड बैक हीट. सो आप पावर जब दे पाओ, आप पावर कब दे पाओगे? जब आप इसको इंप्रूव करोगे, इसकी रिपीटेड प्रैक्टिस करोगे, देन यू कैन गो फॉर द हीट इन द पावर. ओके, लेट्स गो गाइस. आपको 4 times आगे करना है, 4 times पीछे करना है. ओके, देन वही लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8. कूल, देन बोथ 1 2 3 4 5 6 7 8. कूल. इसमें वेरिएशंस भी होते हैं, जैसे कि आप वॉक करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8. सो ये भी होते हैं. आप बहुत सारे मूवमेंट्स ऐड कर पाओगे. मैं आपको ट्यूटोरियल्स में देते रहूंगा कि मूवमेंट्स को ऐड कैसे करते हैं ऑल दैट. ओके, सो इसको कंप्लीट करना है, इसको रिपीटेड प्रैक्टिस करनी है. देखिए ये. Then for the second move is wave. What is wave? Body wave. Okay. So आपने समुंदर की लहर देखी होगी, वेव देखी होगी, तो वो कैसे जाता है? 1 2 3 4. Okay. So आपको body movement भी वही करना है, body को wave दे. Simple. Okay. So start with this 1 2 3 4 5 6 7 8. See, आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना है? यहां पे शोल्डर, देन अपर कोर, देन लोअर कोर एंड डाउन. ओके गाइस, इसको टिप है. इसकी टिप क्या है? आपको नॉट टेक्निकल जाना है इसमें. नॉन टेक्निकल मतलब आप, मैंने आपको बताया 4 steps कि chest, अपर कोर एंड लोअर कोर एंड हिप जाएगा आपका, राइट? तो इसको आप टेक्निकली नहीं करोगे, मतलब पॉइंट पॉइंट नहीं करोगे. ओके, 1 2 3 4 ऐसे नहीं करोगे. इसको पूरा कनेक्ट करना है. जैसे कि एक सर्कल, एक स्क्वायर हो गया और एक सर्कल हो गया, उसमें क्या डिफरेंस रहता है? आप जो है वो सर्कल में जो रहता है वो आर्क रहता है. सो वी हैव टू मेक अ आर्क into point 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 point. Okay, so shoulder हो गया, then आपका upper core हो गया, then lower core हो गया, then hip हो गया. तो उसको curve देना है. Okay, let's try this again. 5 6 7 8. 1 2 3 4. Again this side. 1 2 3 4. Cool. आपको इसको practice करने हैं, then आप ये side जा सकते हो. With your chest, 1 2 3 4. Side change, 1 2 3 4. Okay guys, आज के लिए इतना ही अच्छे से प्रैक्टिस करना एंड इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करना. आप इससे मूवमेंट्स को फास्ट कर सकते हो. आपका जो डांस होगा वो इम्प्रूव होगा, बिकॉज ये जो रहता है वो joints है. Okay. So, आप जॉइंट्स को जितना इंप्रूव करोगे उतना ही फास्ट बनोगे. ओके,
So thank you so much for watching this video, guys.